खबर कोटा जिले से है, जहां शहर की पुलिस अधीक्षक अमृता दोहान ने शुक्रवार को शहर में पढ़ रहे लाखों कोचिंग छात्रों को साइबर फ्रॉड से दूर रहने की अपील की। एसपी दोहान ने कहा कि कोचिंग छात्रों के पास व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लिंक आता है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। उन्होंने कहा कि छात्र छात्रा इस तरह से किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, यह सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। मेरी सभी जो यहाँ पर कोचिंग छात्र पढ़ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो किसी भी आपके पास अगर कोई भी लिंक आता है, कोई भी गूगल शीट आती है जिसमें आपको बताया जाता है रैंडमली कि आप अपना डाटा फिल करें, आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन इसमें फिल करें, तो प्लीज़ वो आप उसमें फिल ना करें, क्योंकि वो वाला जो डाटा है वो आपका लीक हो जाता है, और लीक होने के बाद उसका जो साइबर फ्रॉड करने के लिए जो तरह तरह के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसमें वो डाटा आपका उपयोग में लिया जाता है, आपके पेरेंट्स के पास तरह तरह के फोन जाते हैं। इसीलिए अपना कोई भी पर्सनल डाटा आप किसी भी रैंडम गूगल फॉर्म में नहीं भरेंगे। दूसरा मेरी आप सभी से अपील है कि आपके पास कहीं से कोई भी अगर व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई लिंक आता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें और आपको बहुत अधिक आपको इसमें रिटर्न्स मिलेंगे, तो प्लीज आप उस चीज में उस झांसे में ना आए, वो साइबर फ्रॉड है। आपके आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न्ड मनी आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो फ्रॉड है, आपको रिटर्न्स कोई नहीं मिलेंगे। और जैसे ही आपने उसमें इन्वेस्ट किया वो लिंक खत्म हो जाएगा और आपके पास सामने वाले कोई आपको रिटर्न्स नहीं देगा। तो मेरा आप सभी से अपील है, आप यहाँ पर अच्छे माहौल में शांति से पढ़ें, अपना दिमाग उसी में लगाएं, मुफ्त में कोई आपको पैसे नहीं देता है, इस बात का ध्यान रखें, किसी भी इन्वेस्टमेंट लिंक के माध्यम से किसी साइबर फ्रॉड का हिस्सा ना बने।